Hello children, my name is Shivani Shukla. Welcome to all of you in JDSSM Civil Lines Prayagraj Vidya Bharati Kashi Prant YouTube channel. In the previous class, I had taught you letters F to R. Today, I am going to teach you letters S to Z. फर्स्ट लेटर इज एस. एस फॉर शिप. इस पेज में आप सभी बच्चों को एक पिक्चर दिख रहा होगा. क्या बना है? शिप बना है. शिप कहाँ चलता है? पानी में चलता है. जैसे एरोप्लेन आसमान में उड़ाते हैं हम, वैसे ही ये शिप पानी में चलता है. और ये शिप बहुत बड़ा होता है. इसमें भी बहुत सारे रूम्स होते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं. और इसमें रेस्टोरेंट भी होता है. इसमें इसका यूज भी हम तब करते हैं जब हमें कहीं बहुत दूर जाना होता है. इसमें भी हमें वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो हमें एरोप्लेन में मिलती है. नेक्स्ट वर्ड इज एस फॉर सन. सन को आप सभी ने देखा है. सन मीन्स सूरज. अभी कहा टेल मी, जो सन है वो किस डायरेक्शन में निकलता है? वेरी गुड. सन ईस्ट डायरेक्शन में निकलता है. सन राइजेस इन द ईस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज एस फॉर स्वान. स्वान इज अ बर्ड एंड द कलर ऑफ द स्वान इज व्हाइट. स्वान किस कलर की दिख रही है यहाँ पर? व्हाइट कलर की. और ये कहाँ पर रहती है? पानी में भी रहती है और पानी के बाहर भी रहती है. नेक्स्ट वर्ड इज स्पून. एस फॉर स्पून. ईशानवी बताइए, आप खीर किससे खाती हैं? यस, किससे? स्पून से खाती हैं. स्पून को हिंदी में हम बोलते हैं चम्मच. नेक्स्ट वर्ड इज शीप. शीप को हिंदी में हम बोलते हैं भेड़. जब विंटर सीजन आता है और हमें ठंड लगती है तो हम जो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं वो किससे बनता है? वो शीप हमें वूल देती है. उस वूल से हम वुलन क्लोथ्स बनाते हैं और विंटर सीजन में उसे हम पहनते हैं जिससे हमें ठंड नहीं लगती. लास्ट वर्ड इज एस फॉर स्पैरो. स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड. ये साइज में बहुत छोटी होती है. इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है. इसको हिंदी में हम बोलते हैं गौरैया. प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे कहा था कि अपने टेरेस पे बर्ड्स के लिए दाना रखना है और पानी रखना है, क्योंकि गर्मी का सीजन है, बहुत धूप है, तो इन बर्ड्स को भी प्यास लगती है. तो सभी बच्चे अपने टेरेस पर इन बर्ड्स के लिए दाना और पानी को रखेंगे. नेक्स्ट लेटर इज टी. टी फॉर टाइगर. टाइगर की पिक्चर सभी को दिख रहा है यहाँ पर. टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, क्योंकि ये कहाँ पर रहता है? फॉरेस्ट में रहता है. टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, यह हमारा राष्ट्रीय पशु भी है. नेक्स्ट वर्ड इज टी फॉर ट्री. ट्री को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं. व्हाट डज ट्री गिव अस? अभ्युदय बताइए, ट्री हमें क्या देता है? यस, वेरी गुड. ट्री गिव अस वुड, ट्री गिव अस ऑक्सीजन, फ्रूट्स. ट्री से हमें बहुत कुछ मिलता है, इसलिए हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए और ट्रीज को सेव करना चाहिए, उन्हें कट नहीं करना है. नेक्स्ट वर्ड इज टी फॉर ट्रेन. ट्रेन से सभी लोग घूमने गए हैं ना, नानी के यहाँ जाते हैं, दादी के यहाँ जाते हैं, और भी कहीं हमको रिलेशन में जाना होता है तो हम किससे जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं. ट्रेन को मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था कि ट्रेन को कौन चलाता है? लोको पायलट चलाता है. नेक्स्ट वर्ड इज टी फॉर ट्रक. ट्रक से हम घूमने जाते हैं क्या? नहीं. ट्रक का क्या यूज है? ट्रक से जब हमें कोई सामान एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाना होता है तब हम ट्रक का यूज करते हैं. सबसे आगे ट्रक में एक ड्राइवर बैठता है और पीछे बहुत सा जगह होती है जिसमें सामान को रखा जाता है और ड्राइवर उस सामान को वन प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाता है. नेक्स्ट वर्ड इज टी फॉर टोमेटो. टोमेटो कितने बच्चे खाते हैं?
वेरी गुड, सभी खाते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ टोमेटो? यस, द टोमेटो इज रेड इन कलर। टोमेटो किस रंग का है? लाल रंग का है। नेक्स्ट वर्ड इज टी फॉर टेम्पल। हम भगवान की पूजा करने कहाँ जाते हैं? पूर्वा बताइए, हम भगवान की पूजा करने कहाँ जाते हैं? वेरी गुड, हम भगवान की पूजा करने टेम्पल में जाते हैं। नेक्स्ट लेटर इज यू। यू फॉर अम्ब्रेला। अम्ब्रेला सभी को दिख रहा है यहाँ पर? अम्ब्रेला का क्या यूज है? अभ्युदय भैया बताइए। नहीं पता? अरे पूर्वा तो रोज अम्ब्रेला लेकर के आती हैं। अम्ब्रेला का यूज ये है, जब बहुत धूप होती है तो हम इसे धूप से बचने के लिए लगाते हैं, और जब बारिश आती है तब किससे बचने के लिए लगाते हैं? बारिश से बचने के लिए। अगर हम अम्ब्रेला नहीं लगाएंगे तो हम भीग जाएंगे, इसलिए अम्ब्रेला का यूज हम करते हैं। बारिश से बचने के लिए हम एक चीज और पहनते हैं। क्या पहनते हैं, किसी को पता है क्या? हाँ शानवी बताइए आप। यस वेरी गुड, बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट भी पहनते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अर्न। अर्न को हिंदी में हम बोलते हैं कलश। जब नवरात्र आता है तो माँ देवी माँ की पूजा करने के लिए क्या चीज रखती हैं? कलश रखती हैं। कलश को हम बोलते हैं अर्न। नेक्स्ट वर्ड इज अंकल। यू फॉर अंकल। हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ग्रैंडफादर, फादर, आंट, मदर, फादर, ऐसे ही एक फैमिली मेंबर होते हैं अंकल, जो हमारी फादर के ब्रदर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंकल। अंकल भी हमें हमारे पापा की तरह प्यार करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिटी। यूनिटी मतलब होता है एकता। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, सभी बच्चे एक साथ मिलकर खड़े हैं, हाथों में हाथ बांधकर खड़े हैं। इसका मतलब है जब हम कोई चीज एक साथ मिलकर करते हैं तो वो काम जल्दी होता है। यूनिटी मीन्स एकता। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिफॉर्म। आप सभी बच्चे स्कूल क्या पहन करके आते हैं? ड्रेस पहन कर आते हैं ना। जो आप ड्रेस पहन कर आते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। लास्ट वर्ड इज यूटेंसिल्स। हम घर में खाना किस में खाते हैं? बर्तन में खाते हैं। थाली, थाली में रोटी लेते हैं, पूड़ी रखते हैं, और कटोरी में सब्जी रखते हैं। इन सब बर्तन को हम क्या बोलते हैं? यूटेंसिल बोलते हैं। नेक्स्ट लेटर इज वी। वी फॉर वैन। अच्छा बताइए, वैन से कितने बच्चे स्कूल आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 आते हैं। वेरी गुड, तो वैन में हम सभी बच्चे घर से स्कूल आते हैं और स्कूल से घर जाते हैं। कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं और कुछ भैया वैन से जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वीणा। वीणा इज एन इंस्ट्रूमेंट। सरस्वती माता के हाथों में क्या है? वीणा है। सभी ने देखा है ना पिक्चर में, आप जब प्रेयर करने जाते हैं ना तो वहां पर माँ सरस्वती, ओम और भारत माता के चित्र लगे हैं ना पिक्चर्स, तो आपने देखा होगा माँ सरस्वती की पिक्चर में उनके हाथों में क्या है? वीणा है, वो वीणा को बजाती हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वी फॉर वायलिन। वायलिन इज आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे अभी आपने देखा ना वीणा, वीणा एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन अलग इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट वर्ड इज वी फॉर वल्चर। वल्चर इज अ वेरी बिग बर्ड। वल्चर सबसे बड़ा होता है और ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना उनको मार कर भी खा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज विलेज। वी फॉर विलेज। विलेज को हिंदी में हम बोलते हैं गांव। कुछ बच्चों की नानी सिटी में रहती हैं और कुछ लोगों की विलेज में। विलेज यहाँ पर किसी बच्चे ने देखा है क्या? नहीं देखा है, कोई बात नहीं। विलेज में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वहाँ के जो घर होते हैं वो झाड़ियों के, घास फूस के मोस्टली बने होते हैं वहाँ पर। यहाँ शहरों की तरह जो हाउस होते हैं वो कम बने होते हैं।
लास्ट वर्ड इज वी फॉर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को हिंदी में हम बोलते हैं सब्जियां। आप सभी लोग बहुत सी वेजिटेबल्स खाते हैं ना, जैसे कैरेट, अनियन, ब्रिंजल, पोटैटो, उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेबल्स। नेक्स्ट लेटर इज डब्लू, डब्लू फॉर वुमन। इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, एक वर्ड आया था एल फॉर लेडी। तो लेडी को हिंदी में हम बोलते हैं औरत, और वुमन को भी हम बोलते हैं औरत। लाइक मी, योर मदर, ये सब क्या है? वुमन है। नेक्स्ट वर्ड इज वूल। विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। वो किसका बना होता है? वूल का बना होता है। वूल हमको किससे मिलता है? शीप से मिलता है। नेक्स्ट वर्ड इज वॉल। वॉल को हिंदी में बोलते हैं हम दीवार। आपका जो स्कूल है, जो आपके घर बना है आपका, वो किससे बनकर तैयार हुआ है? ईंटे से और ब्रिक्स से, और वो ब्रिक्स से क्या बनता है? वॉल बनती है, तब जाकर के हाउस बनता है। नेक्स्ट वर्ड इज डब्ल्यू फॉर वॉच। वॉच मीन्स घड़ी। जो ये वॉच है, जो उसको हम रिस्ट पर लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं रिस्ट वॉच। और जो हम वॉल पर वॉच लगाते हैं, उसे बोलते हैं क्लॉक। ये रिस्ट वॉच है क्योंकि इसको हम अपनी रिस्ट पर लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हील। व्हील को पहचानते हैं सभी भैया? जो आप जिस वैन से आप लोग स्कूल आते हैं, उसमें क्या लगा होता है? वो कैसे चल पाती है? यस, उसमें क्या लगा होता है? व्हील लगा होता है। कार में भी व्हील्स होते हैं, बाइक में व्हील्स होते हैं। विदाउट व्हील्स कोई भी व्हीकल को हम चला नहीं सकते। नेक्स्ट वर्ड इज विंडो। डब्ल्यू फॉर विंडो। विंडो मीन्स खिड़की। विंडो को हम क्यों लगाते हैं रूम में? जिसे एयर का वेंटिलेशन बहुत अच्छे से हो। नेक्स्ट लेटर इज एक्स। एक्स फॉर जीरोक्स। जब आप लोगों को, जैसे अभी आप लोगों के पेपर्स हो रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए बहुत सारे पेपर्स निकालने में, तो बनाने में, हाथ लिखने में टाइम लगेगा ना। तो एक पेपर को लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं और उसको क्या करते हैं? जीरोक्स करवाते हैं। किससे करवाते हैं? आप सभी को ये प्रिंटर मशीन दिख रही है। इस प्रिंटर मशीन से हम एक ही पेपर के कई जीरोक्स कॉपी निकलवाते हैं और फिर वो पेपर आप लोगों को देते हैं करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सरे। जब हम बीमार हो जाते हैं, तब कहाँ जाते हैं? अभी उधर बताइए, कहाँ जाते हैं? वेरी गुड, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, अगर हमें छोटी मोटी बीमारी हुई है, जैसे कोल्ड, फीवर, तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, इंजेक्शन लगाता है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है, तब वो कहता है कि एक्सरे करना पड़ेगा। और फिर वो एक्सरे करता है, तब इस तरह पिक्चर आता है और डॉक्टर को पता चल जाता है कि क्या हुआ है। फिर वो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देता है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिसमस ट्री। क्रिसमस कब आता है? 25 दिसंबर को आता है। और आपने देखा ना, क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉस आता है और लोग क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स फॉर जीफियास। आप सभी ने फिश देखी है ना? फिश छोटी छोटी भी होती है और बड़ी फिश भी होती है, जैसे वेल, वैसे ही एक फिश का नाम है जीफियास। ये भी साइज में बहुत बड़ी होती है, जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, इसका साइज बहुत बड़ा है, इसका नाम है जीफियास। लास्ट वर्ड इज जाइलोफोन। अभी हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था ना, लाइक वायलिन, वीणा, ऐसे ही जाइलोफोन भी एक इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट लेटर इज वाई। वाई फॉर याक। जैसा आपको दिख रहा है ना, कितना बड़ा सा एनिमल है ये, इसे हम बोलते हैं याक।
ये यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहाँ पर रहता है, जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं ना, ये जो याक है वो वहां पर रहता है। नेक्स्ट वर्ड इज वाई फॉर यम। यम इज अ स्वीट पोटैटो। सभी ने स्वीट पोटैटो खाया है। ये कैसा लगता है? मीठा लगता है, इसे हम यम भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वाई फॉर योगा। योगा तो आप सभी करते हैं ना, योगा करने से हम हेल्दी रहते हैं। यहाँ पर स्कूल में आपको पीटी कराई जाती है ना, वो योगा का ही एक टाइप है, जिससे आप हेल्दी रहें और एक्टिव रहें। नेक्स्ट वर्ड इज यान। यान मीन्स धागा। जो कपड़े बनते हैं ना, वो किसके बनते हैं? धागों के बनते हैं ना, जो रेशे निकाले जाते हैं, धागे निकाले जाते हैं, तब उनसे कपड़ा तैयार किया जाता है, जिससे फिर ड्रेस बनती है और उसे हम लोग पहनते हैं। वाई फॉर यान, और यान मीन्स धागा। नेक्स्ट वर्ड इज यॉट। आप सभी ने बोट देखी है ना, सभी बच्चों ने बोट देखी है। वेरी गुड। बोट का ही दूसरा टाइप है, जो इसे साइज में बड़ी होती है, यॉट। यॉट को भी हम नौका बोलते हैं, बोट को भी हम नाव बोलते हैं। बोट साइज में छोटा होता है, उसमें कम फैसिलिटीज होती हैं। यॉट उसी का बिग साइज है और इसमें फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं। लास्ट वर्ड इज वाई फॉर येलो। येलो कलर नेम है, येलो जैसा कि आपको दिख रहा है ना। नेक्स्ट लेटर इज जू। जू कितने बच्चों ने देखा है यहाँ पर? आपने देखा है? वेरी गुड। और किसी ने नहीं देखा? कोई बात नहीं, इस बार अपने मम्मा पापा से बोलिएगा कि आपको घुमाने के लिए जू लेकर के जाएंगे। जू में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसा आप दिख रहा है ना, एलिफेंट है, जिराफ है, जेब्रा होता है, वहां वहां पर क्रोकोडाइल भी होता है। जू में बहुत सारे एनिमल्स को रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज जिप। आप जो ड्रेसेस पहनते हैं ना, जैसे जो बॉयज हैं वो जो पैंट पहनते हैं, उसमें क्या लगा होता है? जिप लगा होता है। ये जिप जो चैन होता है, उसे हम जिप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जीरो। जीरो को कितने बच्चे पहचानते हैं? आपकी मैथ टीचर ने आपको बताया होगा काउंटिंग में ना, जीरो वन टू थ्री, ये जेड से स्टार्ट होता है, जीरो की स्पेलिंग, जेड फॉर जीरो। नेक्स्ट वर्ड इज जील। अच्छा, जब मम्मा कहती है ना कि आज हम लोग पार्टी में जाएंगे या फिर कहीं घूमने जाएंगे, तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ना, बहुत खुश हो जाते हैं, हमारे अंदर एक अलग अलग सा जोश आता है ना, उसे हम बोलते हैं जील। जो एक्साइटमेंट हमारे अंदर होती है, एक्साइटमेंट को ही हम जील कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जेब्रा। जेब्रा इज ऑल्सो वाइल्ड एनिमल। इसमें टू कलर्स की स्ट्रिप्स बनी होती हैं, एक वाइट एंड नेक्स्ट इज ब्लैक। ये भी यहाँ पर हमें आसपास नहीं दिखता है, क्योंकि ये भी फॉरेस्ट में रहता है। लास्ट वर्ड इज जिगजैग। जिगजैग को बोलते हैं टेढ़ा मेढ़ा। जब कोई सीधी लाइन होती है, इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं, और वही लाइन जब टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उसे हम बोलते हैं जिगजैग। Here is given an activity for you. Circle the correct first letter naming each pictures. आपने A to Z सभी letters को पहचान लिया, सबको पहचानना आ गया, और उससे कौन से words से start होते हैं ये भी सबको पता हो गया। इसलिए आपको कितना पता हो गया है, यहाँ पर एक activity दी हुई है। जैसे यहाँ पर एक picture दिया हुआ है और उसके आगे two letters दिए हुए हैं, आपको उस picture कि जो वर्ड है उसका लेटर क्या है, उस पर आपको सर्किल करना है। जैसे देखिए, फर्स्ट पिक्चर बना है ऑरेंज का और उसके पास टू लेटर्स दिए हैं, ओ एंड एक्स। तो आपको पता है ना, ऑरेंज की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? ओ फॉर ऑरेंज। तो हमें कहाँ सर्किल करना है? ओ पर सर्किल सर्किल करना है।
इस तरह से। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर क्या है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला किसे स्टार्ट होता है, यू फॉर अम्ब्रेला। तो हम कहाँ सर्किल करेंगे, निशानी बताइए, डब्ल्यू पर सर्किल करूं मैं या फिर यू पर। वेरी गुड, मैं यू पर सर्किल करूंगी। आगे कीजिए, पिक्चर्स हैं इनको आप अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में एक्टिविटी को इसको करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।